दोस्तों हो सकता है आपने इंडियन सिनेमा के बहुत सारी मूवीज देख रखी हो, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है आपने ये वाली मूवी शायद नहीं देखी होंगी, क्योंकि उनके प्रमोशन पर इतना ज्यादा खर्च नहीं करा जाता, इनके कंटेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से ज्यादातर ऑडियंस को इनके बारे में पता नहीं पड़ता। तो इस वीडियो के दौरान आपको साथ ऐसी जबरदस्त हाईली रेटेड इंडियन मूवीज बताने वाला हूं, जिनके बारे में हो सकता है आपने काफी कम सुना हो। अगर आप मूवीज देखना ज्यादा नहीं पसंद करते हो तो ऐसे मूवीज देखने वालों ने भी इनके बारे में कम ही सुना होता है। इस वीडियो के अंदर जितनी मूवीज कवर करने वाला हूं सारी ऐसी है कि फिर रोंगटे खड़े कर देंगे और कहीं ना कहीं आपको जरूर एक दिल छूने वाला एक्सपीरियंस देंगे खत्म होते होते। तो इसलिए ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं करते, सीधे लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज की पहली मूवी है सूर्य राय पोथरू और 2020 के अंदर आई थी। भाई क्या खूबसूरत मूवी है, और ये वीडियो बनाते वक्त IMDb पे इसकी रेटिंग 8.7 है। इसके अंदर एक काफी आम सा बंदा होता है, गांव का रहने वाला होता है, कि वो एक ऐसी एयरप्लेन इंडस्ट्री स्टार्ट करेगा जिसके अंदर लोग कम से कम रुपये देकर ट्रैवल कर सके। और आप शायद जानते होगे या फिर नहीं जानते होगे तो बता दो कि एविएशन इंडस्ट्री भाई कैसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है। अभी गांव का बंदा इसके पास कोई फंड नहीं है, कोई बड़ा रिसोर्स नहीं है, तो किस तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचता है ये इस मूवी को देख के जानू। और भाई पर्सनली एक मोमेंट आता है जिसके अंदर उसकी मोटिवेशन दिखाई जाती है, इसको ये आइडिया कैसे आया, इसके पीछे क्यों उतनी शिद्दत से पढ़ाई, इसको सस्ती से सस्ती एविएशन कंपनी स्टार्ट करनी है, भाई वो मोटिवेशन का जो रीजन होता है भाई सही में आंसू ला देगा। तो इस मूवी को भाई एक बार जरूर देखना अभी तक नहीं देखी है तो। भाई बहुत ही डीप मूवी है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ आती है, प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी, एक बार जरूर देखना जरूर भाई। और भाई बिल्कुल से फैमिली फ्रेंडली मूवी है, आप खुद भी देखो, मैं दोस्तों को भी रिकमेंड करो, फैमिली के साथ देखो भाई, बहुत जुनून मिलेगा ये मूवी देखने के बाद अपने सपने पूरे करने का। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ, और इस मूवी का नाम है सरदार उद्धम और 2021 के अंदर आई थी। भाई ये मूवी सरदार उद्धम के बिल्कुल रियल इवेंट्स के ऊपर बेस्ड मूवी है, बिल्कुल इवेंट्स दिखाए इस मूवी के अंदर, कहीं ना कहीं आपको रोंगटे जरूर खड़े कर देंगे। इस मूवी के अंदर हमको सरदार उद्धम के 20 साल दिखाया, किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग करी उस इंसान को मारने के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। और अगर आप जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा सा बता देता हूँ। 13 अप्रैल 1919 में एक ऐसा कांड हुआ था जिसके अंदर जलियांवाला बाग एक जगह है अमृतसर के अंदर, वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे रूलट एक्ट के अपोज में, तो उन लोगों का प्रोटेस्ट रोकने के लिए उन लोगों के ऊपर सीधे गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया था। भाई करीब 1000 लोगों की एक दिन में मौत हुई थी। तो इस मूवी के दौरान हमको सरदार उद्धम की प्लानिंग दिखाई जाती है उस आदमी को मारने के लिए जो उस हत्याकांड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वाली मूवी भाई एक बार जरूर देखना अभी तक मिस करके बैठे हो तो। ये IMDb पे 8.4 रेटेड है, तो किसी वजह से इतनी ज्यादा हाईली रेटेड है, डेफिनेटली फैमिली के साथ देख सकते हो, तो हाईली रिकमेंडेड है मेरी नजर में। अब आगे बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। इस मूवी का नाम है जर्सी और ये 2019 में आई थी। अब इसी मूवी का लेके बॉलीवुड के अंदर रीमेक भी बना था, जिसके अंदर शाहिद कपूर देखने को मिलते हैं, जो कि 2022 के अंदर आया था। कहानी सेम टू सेम है, लेकिन रेटिंग वाइज साउथ वाली ज्यादा ऊपर है, जिसकी रेटिंग IMDb 8.5 है, लेकिन आप चाहो तो कोई सी भी देख सकते हो। शाहिद कपूर की पसंद हो तो आपको शाहिद कपूर देख सकते हो, मेरे को पर्सनली दोनों पसंद आई, मेरे को नानी का भी काम बहुत ज्यादा पसंद आया था और शाहिद कपूर का भी, तो आप मेरी नजर में तो दोनों देख सकते हो। बात करते हैं मूवी की थोड़ा सा कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी घूमती अर्जुन नाम के बंदे के अराउंड, जो कि क्रिकेट में उसका काफी बड़ा दबदबा रहा होता है एक टाइम पे, लेकिन वो अपने क्रिकेट के करियर में कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाया होता है, एक फील्ड क्रिकेटर होता है बेसिकली। उसकी बीवी काम करके उसका घर चलाती है, और ये बंदा घर पे बैठे बैठे सिर्फ ज्यादा दिन टीवी देखता रहता है। अब उसकी जिंदगी में कैसा दिन आता है जब उसके बेटे का कुछ दिनों बाद बर्थडे होता है, और बेटा अपने पापा से कहता है कि पापा मेरे को अपने बर्थडे पे इस बार एक जर्सी दिला दो इंडियन क्रिकेट वाली। अब जो अर्जुन होता है उसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन मतलब बेटे का दिल रखने के लिए वो फिर भी कह देता है कि मैं दिला दूंगा। अब भाई बंदा दुनिया के सारे कर्म कर लेता है अपने बेटे को जर्सी दिलाने के लिए। अभी जर्सी दिला पाता है या नहीं भाई ये मूवी देख के जानू। भाई सही में एंड होते होते आपके आंसू जरूर निकाल देगी मूवी। मैं पर्सनली 3 बार देख चुका हूँ मूवी, एक बार अकेले देखी, अपनी फैमिली के साथ देखी, एक बार दोस्तों के साथ देखी, और तीनों बार भाई आंसू जरूर आया था मूवी खत्म होते थे। तो ये मूवी भाई एक बार जरूर देखो भाई, बहुत ही खूबसूरत मूवी लगती है मेरे को पर्सनली। वैसे इस मूवी के अंदर कोई एडल्ट सीन नहीं, लेकिन मूवी के अंदर करीब 10 या 20 सेकंड का एक किसिंग सीन आता है जिसको आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, लेकिन बाकी पूरी मूवी फैमिली मूवी है। मेरी नजर में एक हाईली रिकमेंडेड मूवी है फैमिली के साथ देखने के लिए, अगर वो 10-20 सेकंड स्किप कर सकते हो तो। मैंने इस मूवी को भाई पर्सनली बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय करा था, बहुत ही ज्यादा पसंद है मेरे को मूवी, और मैं आपको भी एक बार जरूर रिकमेंड करूंगा देखने के लिए अभी तक नहीं देखी तो। और जैसे मैंने बोला शाहिद कपूर की या फिर नानी वाली कोई सी भी देख सकते हो, दोनों अच्छी मूवी है। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ, और इस मूवी का नाम है सीतारमम और ये 2022 के अंदर आई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग करेंटली 8.6 है। वैसे तो भाई एक रोमांटिक लव स्टोरी, लेकिन मिस्ट्री के तौर पर हमको दी जाती है, क्योंकि पूरी मूवी के अंदर दिमाग चलता रहता है कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा, तो मिस्ट्री सी बनी रहती है, जिसकी वजह से मूवी और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। इस मूवी की कहानी एक राम नाम के सोल्जर के अराउंड घूमती है, जिसकी बचपन से कोई फैमिली नहीं रही होती है, और वो रेडियो पे अनाउंस कर देता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। तो भाई हिंदुस्तान से जितने भर भी लोग होते हैं उसको सब लेटर भेजते हैं, कोई उसको अपना भैया बताता है, तो कोई उसको अपनी बहन बताता है, कोई उसको अपनी भाभी बताता है, तो एक लड़की का लेटर होता है जो उसको अपनी बीवी बताता है, जिसका नाम इस मूवी के अंदर सीता दिखाया होता है। अभी सीता भाई हर महीने अपने राम को एक लेटर लिखती है, और राम हर लेटर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। फिर राम फौज से छुट्टी लेके उस लड़की का पता करने जाता है कि शायद अगर वो उस लड़की से मिले तो उसका भी अपना एक परिवार होगा। इसी उम्मीद में वह लड़की का पता लगाने निकलता है, लड़की से वो मिल जाती है, और दोनों के बीच मोहब्बत और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। फिर भाई इस मूवी के आगे क्या होता है मैं बता दूंगा, तो भाई सही में मूवी का मजा खराब हो जाएगा। मूवी इसी के पास एकदम ट्विस्ट लेने लग जाती है, मूवी खूबसूरत और खूबसूरत होती जाती है, एंड में आते तो भाई आपका दिल जरूर तोड़ देगी। कुछ हद तक आप शायद अंदाजा भी लगाने लगोगे इस मूवी के अंदर की ये होने वाला है, तो बता दूं भाई आप जो अंदाजा लगाओगे इस मूवी के अंदर वो नहीं होगा, कुछ और ही देखने को मिलेगा। और सही में जो भी देखने को मिलेगा भाई गूज़बम्प्स ला देगा वो वाला पल, तो वो वाला मोमेंट आप अच्छे से एक्सपीरियंस करो। उसके लिए मैं कहानी से ज्यादा नहीं बताऊंगा, काफी हाईली रिकमेंडेड मेरी नजर में, पूरी फैमिली फ्रेंड मूवी है, कोई किस नहीं है मूवी के अंदर, कोई गंदा डायलॉग नहीं है, मस्त तरीके से फैमिली को लगा के देख सकते हो। तो अगर आप सीतारमम देखना कंसीडर करने वाले हो, जो कि आपको करना चाहिए अभी तक नहीं देखी है, तो ये आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर भाई मुरलीनाथ ठाकुर सही में भाई अति खूबसूरत लगी है वो, तो लौंडो तुम तो जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं अगली मूवी
की तरफ है। ये मूवी भाई असली कहानी के ऊपर बेस्ड है और देखते हुए लगेगा नहीं भाई असली कहानी के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी का नाम है जय भीम और 2021 के अंदर आई थी और IMDb पे अभी तक की जितनी मूवीज बताई उन सबसे ज्यादा हाईली रेटेड है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.8। पता नहीं कौन लोग होंगे जिन्होंने इसको 8 रेट करा होगा जिसकी वजह से इसकी रेटिंग 8.8 आ गई। और मेरे नजर में 10/10 मूवी है ये। इसकी कहानी दिखाई है एक मजदूर इंसान के बारे में जिसको एक अमीर इंसान अपने घर के अंदर कुछ काम करने के लिए बुलाता है और जब वो मजदूर चला जाता है तो उस अमीर आदमी जो कि एक पॉलिटिशियन होता है उसकी तिजोरी में से कुछ सामान गायब हो जाता है जिसका इल्जाम उस मजदूर पर लगा देता है कि उसी ने किया है। मैं बता दूं कि उसके पास कोई सबूत नहीं होता और हकीकत हमको पता होती है कि उसने नहीं किया है। तो भाई पुलिस उस मजदूर को पकड़ के ले जाती है। उसकी बीवी जो मजदूर की बीवी होती है वो एक लॉयर के पास जाती है मदद मांगने। तो वो जो लॉयर है जो इस मूवी का मेन लीड भी है इसके बाद कहानी हमको उसके नजरिए से दिखाई जाती है। अब भाई सूर्य ने जो एक्टिंग करी इस मूवी के अंदर भाई सही में ताली बजाने का मन करेगा भाई बंदे ने क्या हकीकत में एक्टिंग करी है। एक बार जरूर देखो भाई ये वाली मूवी सही में भाई रोंगटे खड़े कर देगी मूवी खत्म होते होते। और अगर आप ये देखने वाले हो तो आपको प्राइम वीडियो पे हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। डेफिनेटली मेरी नजर मस्ट वॉच मूवी है। फैमिली के साथ देखो मजा आएगा इस मूवी के अंदर। और बल्कि मूवी खत्म होती है भाई एक नहीं कई डीप मैसेज देगी आपको जो कि भाई आपकी नजर में शायद लाइफ टाइम के लिए फंस जाएंगे और काफी ज्यादा चांसेस जो मजदूर लोग होते हैं उनके लिए आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ और इस मूवी का नाम है रॉकेटरी और द नंबी इफेक्ट और ये 2022 के अंदर आई थी। और भाई ये वाली मूवी भी जय भीम की तरह 8.8 रेटेड है। और बेस्ट बात इस मूवी के बारे में कि ये भी असली कहानी के ऊपर बेस्ड मूवी है। भाई ये मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं है भाई इसको एक मास्टरपीस बोल सकते हो। और अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही होगा कि भाई कितनी अच्छी अच्छी मूवीज के बारे में बात कर रहा है लेकिन उनको मास्टरपीस शायद ही कभी बोला होगा। मास्टरपीस मूवीज को बोलता ही नहीं क्योंकि कुछ दिनों बाद कोई नई मूवी बन जाती है जो कि हो सकता है कि हमको पहली वाली के मुकाबले ज्यादा बेहतर लगे। लेकिन भाई इस मूवी का तोड़ भाई शायद ही देखने को मिलेगा कभी दोबारा फ्यूचर के अंदर भी। ये मूवी भाई आपको बिल्कुल से तोड़ देगी ऐसा मेंटली भाई बिल्कुल से ऐसा कर देगी कि आप शायद इस मूवी का इफेक्ट कुछ दिनों तक भूल ही नहीं पाओगे। इस मूवी की कहानी घूमती नंबी नारायण जी के बारे में जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट हुआ करते थे एक टाइम पे। तो उनके ऊपर 1994 में देशद्रोही का इल्जाम लग जाता है एक जासूस होने का इल्जाम लग जाता है और उनको इस इल्जाम के ऊपर गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई किस तरीके से टॉर्चर करा जाता है भाई सही में रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन्स है वो। तो ये मूवी भाई एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए जरूरी मूवी है मैं ये कहूंगा जरूरी भाई बहुत ही कम मूवीज के लिए बोलता हूं मैं इसके लिए बोल रहा हूं। अगर अभी तक नहीं देखे तो एक बार जरूर देखो सही में एक मास्टरपीस है। और इस मूवी को देखने के बाद आप शायद इस मूवी को अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड करोगे मेरी कहने की जरूरत नहीं आप खुद करोगे। ये मूवी आप प्राइम वीडियो पे देख सकते हो और देश के जितनी ज्यादातर बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं उन सबके अंदर इसको डब कर रखा है तो एक बार जरूर देखो। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। इस मूवी का नाम है 777 चार्ली और ये 2022 के अंदर आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 8.8। आप लोग शायद जानते हो या फिर नहीं जानते हो पता नहीं लेकिन भाई मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी जो मैंने आज तक मूवीज देखी है उनमें से सबसे मेरी फेवरेट मूवी है द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन। और इस चैनल पर मैं उस मूवी को ना जाने कितने बार रिकमेंड कर चुका हूं तो अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस को कई बार देख चुके हो तो काफी ज्यादा उसका नाम सुना होगा। तो इस मूवी की कहानी भी कुछ कुछ उसी की जैसी है लेकिन इसकी कहानी और उसकी कहानी जो मेजर प्लॉट है बहुत ज्यादा अलग है। तो अगर आपने वो वाली देखी है तो ये वाली मूवी आपको काफी ज्यादा चांसेस पसंद आएगी और 777 चार्ली आप ऑलरेडी देख चुके हो तो काफी ज्यादा चांसेस है आपको वो वाली मूवी और भी ज्यादा पसंद आएगी। अब बात करते हैं मूवी के थोड़ा सा मोटा मोटा कहानी के बारे में। तो इसकी कहानी घूमती है धर्मा नाम के बंदे के अराउंड। इसका ना कोई परिवार है जिसका कोई लेना देना किसी दुनियादारी से है नहीं ना उसका कोई दोस्त है अकेले रहता है बंदा अकेले जी रहा है अपनी जिंदगी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक स्ट्रीट डॉग आता है जो कि उसकी जिंदगी भाई पूरी तरह बदल देता है। अब इन दोनों की जोड़ी इस मूवी के दौरान क्या करती है तो भाई मूवी देख के जानो क्योंकि वो चीज फील करने वाली वो एक्सपीरियंस करने वाली बता के वो चीज मजा नहीं आएगा। तो आप इस चीज को फील करने के लिए मूवी एक बार जरूर देखना काफी डीप मूवी है। पर्सनली मेरे को भाई कुत्तों से बहुत ज्यादा लगाव रहता है जिसकी वजह से शायद मेरे को कुत्तों वाली मूवीज देखना पसंद आती है। ये मूवी आपको वूट पे देखने को मिल जाएगी और एंड में आते थे भाई ये भी दिल जरूर तोड़ देगी काफी एकदम इमोशनल कर देगी बल्कि आंसू तक ला देगी काफी ज्यादा चांसेस है। तो बस इससे ज्यादा भाई क्या मनाऊं आप लोगों को समझदार हो। बाकी वीडियोस के अंदर मैं भाई ये नहीं बोलता कि आप सारी मूवी देखो जो आपको पसंद है अपनी स्टोरी के हिसाब से वो देख लो लेकिन इस वीडियो के अंदर जो मैंने मूवीज बोली उन सबको देखो भाई हाईली रेटेड मूवीज है तो भाई मूवी सही में डिजर्व करती है उस रेटिंग को तभी इतनी ज्यादा हाईली रेटेड है। तो आपका इनको देखना जरूर बनता है आपको जरूर पसंद आएंगे और मल्टीपल टाइम्स भी देख सकते हो फैमिली के साथ बाद में। तो दोस्तों ये कुछ 7 मूवीज थी जो इस वीडियो के द्वारा मैं रिकमेंड करना चाहता था। अगर कोई और मूवी जो आप चाहते थे इस वीडियो के अंदर हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको उसी तरीके की मीनिंगफुल मूवीज देखना पसंद है तो ये वाली वीडियो देखना कंसीडर कर सकते हो जिसके अंदर मैंने 7 ऐसी मूवीज और बताई है। अभी की वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूँ अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दिस इज शिवरमणि साइनिंग ऑफ।